أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم जैसे कि आपको मालूम है कि आज 8 ज़िलहज है और इंशाअल्लाह कल 9 ज़िलहज यानी यौम अरफा है और उसके बाद 10 ज़िलहज यकीनन 10 ज़िलहज या बकरा ईद या ईद उल अज़हा हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन उससे पहले का दिन यानी 9 ज़िलहज वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है। और रिवायात में आया है कि हज जो है वो यौम अरफा है, यौम अरफा हज है। यौम अरफा के हवाले से यकीनन इस दिन की बड़ी फजीलत है और इस दिन की फजीलत में जो दुआ पढ़ी जाती है दुआ अरफा, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत रिवायात में वारिद हुई है। इस दिन के हवाले से फ़कत ये बात, ये रिवायात, ये वाकया बतला देना काफ़ी होगा कि इमाम ज़ैन अलाब्दीन अलैहिस्सलाम ने जब यौम अरफा एक साहिल को लोगों से मांगते हुए देखा तो इमाम ने बेसाख्ता उससे कहा, वैलक, अफसोस है तुझ पर, आज तो माँ के पेट के बच्चे भी खुदा के लुत्फ करम से मालामाल होकर सईद व खुश बख्त हो जाएंगे। यानी वो जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, इस दुनिया में नहीं आया, वो भी इस दिन की खुशबख्ती की वजह से बहुत ज़्यादा सआदतें लेकर आएगा और इसी वक्त वो सआदत का हामिल हो चुका होगा। तो इस दिन बजाय इसके कि कोई शख्स खुदा से मांगे, क्यों कर उसकी मखलूक और उस जैसे मोहताज आदमियों से मांगना शुरू कर दे। और यकीनन हम ये समझते हैं कि बच्चों पे शायद वो असरात नहीं मुरतब होते जो हम पर होते हैं, या हमें वो बातें जो समझ में आती हैं वो बच्चों को नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान उम्र के किसी हिस्से ही में क्यों ना हो, बच्चा हो, जवान हो, ज़यीफ़ हो, चाहे इस दुनिया में आया ही ना हो, लेकिन आसपास के असरात उसकी ज़िंदगी पर, उसके जिस्म पर, उसके दिल और दिमाग पर मुरतब होते रहते हैं। और आजकल की मेडिकल साइंस भी यही कहती है, अल्ट्रासाउंड और दीगर मशीनों से जो तहकीक जमा की गई है कि दौरान हमल भी बच्चे की माँ जो कुछ काम करती है या बच्चे के आसपास यानी माँ के आसपास जो कुछ हो रहा होता है उसके असरात उस बच्चे में होते हैं। अगर गुनाह हो रहा होगा तो उसके असरात भी उस बच्चे पर आएंगे, यानी मौसकी, झूठ, गीबत, बदगोई वगैरह। और अच्छे काम हो रहे होंगे, मसलन नमाज, तिलावत कुरान, दुआ और अस्कार, उसके भी असरात यानी अच्छे असरात मुरतब होंगे। लिहाजा कोशिश कीजिए बच्चों को अपने साथ मजालिस ले जाने की, बच्चों को अपने साथ जिक्र अस्कार की महफिलों में ले जाने की और दुआओं में ले जाने की, चाहे वो दुआएं कहीं ही क्यों ना हो, ताकि इस बहाने बच्चे के अंदर एक तरबियत का पहलू जो है वो उजागर हो। हमारे यौम अरफा मुख्तसरन आपके सामने हाजिर खिदमत है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम दुआ अरफा की तरफ चलेंगे। इस दिन गुस्ल मुस्तहब है, ज़ियारत इमाम हुसैन के हवाले से मिलता है कि इसको पढ़ने से हज़ार हज, हज़ार उमरा, हज़ार जिहाद, बल्कि इससे भी ज़्यादा का सवाब हासिल होता है। इस दिन दो रकात नमाज ज़ेर आसमान बाद नमाज असर पढ़नी मुस्तहब है, जिसमें पहली रकात में सूरह तौहीद, दूसरी रकात में सूरह काफिरून पढ़ी जाती है। चार रकात नमाज दो दो करके हर रकात में 50 मरतबा सूरह तौहीद, उसके बाद चंद तस्बीहात की जिनका तस्किरा मफातिहुल जिनान में मौजूद है वो पढ़ी जाती हैं। सहीफ़ कामिला की 47वीं दुआ भी इस दिन पढ़ना मुस्तहब है, रिवायतों में आया है। दुआ अरफा
खुद एक बेहतरीन और दिल को गरमाने वाली दुआ है, ईमान में इजाफे का सबब बनने वाली दुआ है। दुआ अरफा को पढ़ने वाला बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसने अरफात में हाजिरी दी। ये दुआ इंसानों की गुनाहों की बख्शिश का जरिया है और इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत है इस दुआ की कि जैसे कि पहले बताया गया कि इस दिन रोज़ा भी रखना मुस्तहबात में शामिल किया गया है, लेकिन अगर रोज़ा रखने से दुआ अरफा पढ़ने में कमज़ोरी पैदा हो, नपाहत हो, तो उस दिन रोज़ा छोड़ दे लेकिन दुआ अरफा ना छोड़े। यानी दुआ अरफा को तरजीह दी गई है रोज़े पर, अरफा के दिन के मुस्तहब रोज़े पर। क्यों कर इतनी अहम है ये दुआ, इस दुआ में क्या खासियत है, इस दुआ के क्या पैगाम हैं, ये दुआ हमें क्या सिखाती है, ये दुआ किस तरह हमारे अंदर ईमान के इजाफे का सबब बनती है, किस तरह हमारे गुनाहों को बख्शवाती है और किस तरह हमें अल्लाह ताला से रोशनास करवाती है। तमाम बातें इंशाअल्लाह आपको उस वक्त समझ में आ जाएंगी कि जब आप इस दुआ को बग़ौर क़ौस तफसील के साथ, तर्जुमे के साथ, तफहीम के साथ पढ़ेंगी और इनके मफाहीम को अपनी रूह में उतारने की कोशिश करेंगी। ये मुमकिन नहीं कि हम तमाम दुआ आपके सामने पेश करें और आपको मालूम है आमाल में यौम अरफा के आपकी शिरकत रहती होगी, डेढ़ या दो घंटे बसा अवकात इस दुआ को पढ़ने में लग जाते हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए और आपकी रूहों को खुदा से करीब करने के लिए और ख़ुद अपने आप के लिए हमने चंद कलमात मुकद्दसा का इंतखाब किया है इस दुआ से और उनके मफाहीम को किसी हद तक आप तक इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वरना तो दुआ का हर जुमला हर लफ्ज़ समझने और करने और उस पर अमल करने के काबिल है, लेकिन चंद कलमात मुकद्दसा वाकई अपनी नज़ीर आप हैं कि जिनको पढ़कर इंसान को एहसास होता है कि मैं अब तक इस दुआए अरफा की मारिफत से क्यों महफूज रहा हूँ। कोशिश कीजिए न सिर्फ दुआए अरफा बल्कि तमाम दुआएं जब भी पढ़ें उसका तर्जुमा भी आपके जहन में हो, चाहे थोड़ी सी देर लग जाए, दुगना वक्त लग जाए, या कभी आप फारिग हों यानी दुआए अरफा से पहले, यौम अरफा से पहले, तो उस दुआ के तर्जुमे को अच्छी तरह पढ़ डालिए, हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, बुक मार्क कर लीजिए, ताकि जब उसको पढ़ें दोबारा तो जो चीज़ें आपने हाईलाइट की भी अंडरलाइन की भी हैं उनके खूब तवज्जो दे देकर उन अल्फाजों को अदा करें और उनके मफाहीम को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। आइए दुआ अरफा की तरफ चलते हैं। ये यौम अरफा का मंजर है कि जिसमें लाखों फर्जंदान तौहीद अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के लिए, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए अरफात के मैदान में जमा होते हैं। एक रिवायत के मुताबिक रोज़े महशर अरफात के मैदान ही में बरपा होगा और ये वो दिन और ये वो साथ है और ये वो जगह है कि यकीनन जहां पर इमाम ज़माना की मौजूदगी लाजमी है। हम किसी भी जगह या वक्त जमान व मकान के लिए नहीं कह सकते कि इमाम फला जगह फला वक्त में मौजूद हैं, लेकिन अरफा अरफात का मैदान और यौम अरफा एक ऐसा जमान व मकान है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इमाम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इमाम के बगैर हज मुकम्मल नहीं हो सकता। अब आइए इस दुआ की तरफ चलते हैं और चंद जुमले आहिस्ता आहिस्ता खूब गौर वोस के साथ अपनी रूह की मुकम्मल तवज्जो के साथ इस दुआ के चंद जुमलात को, चंद कलमात मुकद्दसा को पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले को। जैसा कि आपको मालूम है कि जब दुआ शुरू की जाती है तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है, उसके हसनात बयान किए जाते हैं और उसके बाद फिर अपने मतालिब पर और अपनी हाजत की तरफ आया जाता है।
और ये दुनियावी लिहाज से भी मांगने का तरीका है कि जिसके पास आप जा रहे हैं उसकी मार्फत हासिल करें और उसको बतलाएं कि मैं आपको क्या समझता हूँ और क्या समझ के आपके पास आया हूँ। तो आप मेरे जर्फ को ना देखिए, आप अपनी अता को देखिए, आप मेरे मनसब व मकाम को ना देखें, आप अपनी मंजिलत को देखिए। तो हम खुदा की तारीफ करते हैं इमाम की जबान से, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइही दाफ़िउन, हम है खुदा के लिए जिसके फैसले को कोई बदलने वाला नहीं, वला लिअफ़ाही मानिअ, कोई इसकी अता को रोकने वाला नहीं। पहले जुमले में एक डिप्रेशन, एक नाउम्मीदी, एक मायूसी की कैफियत पैदा होती है कि हम है खुदा के लिए जिसके फैसले को कोई बदलने वाला नहीं। जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए फैसले कर दिए हैं तो फिर हम दुआ क्यों मांग रहे हैं? दुआ अरफा शुरू करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फौरन इमाम कहते हैं वला लिअताही मानिअ, लेकिन अगर वो देने पर आए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदा को मजबूर कर देती है कि वो एक शख्स से नाराज हो, मुंह फेर ले, मायूस और महरूम कर दे और फिर एकदम से वही खुदा उसी इंसान की तरफ मुतवज्जो हो जाए और देने के लिए तैयार हो जाए, और जब वो देने के लिए तैयार हो जाए तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। वो क्या ऐसी जादू की छड़ी है, वो क्या ऐसी चीज़ है नादिर और नायाब कि जिसको हम खुदा के सामने पेश करें तो अल्लाह अपने फैसलों को तब्दील कर दे? वो चीज़ है दुआ। दुआ ऐसी चीज है जो तकदीर को बदल दिया करती है, खुदा की लौह में लिखे हुए अल्फाजों को महव कर दिया करती है, खुदा को अपने फैसले मजबूर करने पर, तब्दील करने पर मजबूर कर देती है। और ऐसा ना होता तो अल्लाह दुआ के लिए नहीं कहता, क्योंकि जब इंसान की तकदीर में सब कुछ लिखा जा चुका और नाकाबिले महव है तो फिर क्या जरूरत है दुआ की ताकीद? इसका मतलब यह है कि दुआ अल्लाह ताला के फैसलों को तब्दील कर सकती है। फिर फरमाते इमाम की वला का सुन अही सुन और सानिया, और कोई इस जैसी सनत वाला नहीं, वहुवल जवादुल वासिया, और वो कुशादगी के साथ देने वाला है। यकीनन ये कायनात, इस कायनात का हर जर्रा अल्लाह का बनाया हुआ है। ये कायनात जो हम देख रहे हैं जिसमें सूरज है, इस जैसे 200 बिलियन सूरज मौजूद है। साइंस कहती है कि हमारी जैसी 30 ऐसी कहकशाएं मौजूद हैं। छठे इमाम फरमाते हैं इस जैसी 18,000 कहकशाएं मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला तो बहुत ज्यादा वसी सल्तनत रखता है। ये तो वो सल्तनत है जो हमें नजर आती है, जो इतनी बड़ी सल्तनत रखता हो कि जो हमारे सामने है हम उसको नहीं देख सकते, उसको नहीं परख सकते, तो उस कायनात को हम कैसे देखेंगे, हासिल करेंगे जो हमारे सामने नहीं। तो बस अल्लाह ताला बहुत बड़ी कायनात का मालिक है, और जब वो देने पर आए तो फिर उसको कोई रोकने वाला नहीं। और यकीनन वही चीज़ों को अदम से वजूद में लाता है, अगर नहीं भी होगी तो वो पैदा कर देगा हमारे लिए। इस उम्मीद पर हम उसके सामने आए, वलुत्फिका ली व एहसानिका इलैया, तूने बवजाय अपनी मोहब्बत और मेहरबानी के मुझ पर एहसान किया, फी दौलते आइम्मतिल कुफ्र, और मुझे काफिर बादशाहों के दौर में पैदा नहीं किया, अल्लज़ीना नक़दु अहदका, कि जिन्होंने तेरे फरमान को तोड़ा। देखिए हम बहुत ज़्यादा शाकी रहते हैं अल्लाह ताला से कि तूने हमें वो नहीं दिया, तूने हमें ये चीज़ नहीं दी, तूने हमें वो चीज़ नहीं दी, इतने बुरे माहौल में पैदा किया, इतने बुरे ज़माने में पैदा किया। अगर अल्लाह ताला आपको किसी काफिर बादशाह के दौर में पैदा कर देता, शद्दा नमरूद फिरौन, और अगर आप उसके सामने अपने ईमान का इजहार करते और अगर वो आपको सजाएं देता और अगर आपका ईमान मुतज़लज़ल हो जाता तो आप क्या कर लेते? ये तो बहुत दूर की बात है। खुद रसूल के बाद मोमिनीन पर और शियानी अली पर जो मजालिम ढाए गए उनके बारे में तारीख गवाह है कि किस तरह मोमिनीन को अज़ियतें दी गई, शियानी अली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस जमाने में पैदा नहीं किया कि जब इस्लाम नहीं था, वरना दुनिया में बड़े बड़े फलसफे गुजरे हैं कि जिनकी किताबें, जिनके नजरियात आज भी यूरोप और अमेरिका जैसे जदीद ममालिक में पढ़ाए जाते हैं, और आज तक वो इन नजरियात से कस्बे फैज कर रहे हैं।
अरस्तु और अफलातून को कौन नहीं जानता? अरस्तु और अफलातून फिलोसफर्स हैं, बल्कि आबाओ अजदाद में शुमार होते हैं, फाउंडर्स और फादर्स ऑफ फिलोसफी कहलाए जाते हैं। हमारे अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करे तो हम कहते हैं जरा अफलातून बनने की कोशिश ना करो। तो जिस अफलातून के नजरियात यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं उसके बारे में सुनकर आपको हैरत होगी कि यही अफलातून हमारे आलिम दीन मोहम्मद हसन तबतबाई के ख्वाब में आया। कौन मोहम्मद हसन तबतबाई? फिलोसफी के बहुत बड़े उस्ताद। और अगर आप इस बात को हजम करने और समझने और मानने के लिए तैयार हो तो मुझे कहने दीजिए कि एक दफा तारीख किताबों में यह बात मरकूम है कि एक दफा एक शख्स को फलसफे पढ़ने का शौक हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ वो मुर्दा लोगों की रूहों को बुलाने का फन जानता था। उसने कहा कि मैं दुनिया में सबसे मशहूर फलसफी से फलसफा पढ़ूंगा। तो उसने सोचना शुरू किया कि दुनिया में आज तक मशहूर फलसफी कौन गुजरा है। तो पता चला अरस्तु गुजरा है, ये जो जमीन की तरफ इशारा कर रहा है अपनी हथेली, ये अरस्तु है। तो उसने अरस्तु की रूह को हाजिर किया कि तुम मुझे फलसफा पढ़ाओ। आपको मालूम है अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि तुम अपने जमाने के मशहूर फलसफी मोहम्मद हसन तबतबाई से फलसफा पढ़ो। उसको मुझसे ज्यादा फलसफा आता है। कौन मोहम्मद हसन तबतबाई? मोहम्मद हुसैन तबतबाई के भाई। कौन मोहम्मद हुसैन तबतबाई? तफसीर अल मीज़ान के मुफस्सिर, जो इस वक्त जहाने तशय्यो में सबसे दकीक, सबसे वसी, सबसे अहम तरीन तफसीर मानी जाती है। तफसीर नमूना जिसको लोग कहते हैं कि बड़ी मुश्किल तफसीर है, वो तो आम फहम तफासीर में शुमार होती है। अल मीज़ान के मुफस्सिर मोहम्मद हुसैन तबतबाई के भाई मोहम्मद हसन तबतबाई के, जो कि फलसफे के बहुत बड़े उस्ताद थे अपने जमाने के, अरस्तु की रूह गवाही दे रही है कि ये सबसे बड़े उस्ताद, इनसे पढ़ो। तो उस शख्स ने मोहम्मद हसन तबतबाई का रुख किया और मोहम्मद हसन तबतबाई ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? तो उसने बताया, मुझे अरस्तु ने बताया। तुमने कहा तुम्हें अरस्तु तक कैसे पहुंच हुई? कहने के मैं रूहों को बुलाने का फन जानता हूं। अच्छा, फिर क्या होता था? ये शख्स उनसे पढ़ता था और जब भी किसी फलसफे के नजरिए में बहस छिड़ जाती तो ये शख्स कहता, अच्छा चलो ठीक है, अरस्तु की रूह को बुला के पूछते। अच्छा चलो ठीक है, मुल्ला सिद्रा की रूह को बुला के। मुल्ला सिद्रा भी हमारे फलसफे के यूं समझ लें कि अरस्तु समझ लें या बाबा आदम वाक़ हुए हैं। असफारे अरबा उनकी किताब है, जिनको जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर एक आम आदमी पढ़ ले तो शायद वो जुनून की कैफियत का शिकार हो जाए। फलसफे की समझ लें आखिरी किताब। एक दिन उन्होंने कहा चलो अफलातून की रूह को बुला के पूछते हैं इस नजरिए की जो दकीक या दिक्कत या गहराई है क्या है। अफलातून ने आगे जवाब दिया, फिर साथ में मोहम्मद हसन तबतबाई को यह कहा कि तुम खुश नसीब हो कि इस्लाम के दौर में पैदा हुए, कि तुमको तौहीद का कलमा नसीब हुआ। हमारे जमाने में तो तौहीद थी ही नहीं, क्या हम खुदा की इबादत करते? तो ये है अफलातून का तासुफ कि हम उस जमाने में क्यों नहीं पैदा। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले के लोग हैं यूनान के, ग्रीक्स, ये अफसोस किया करते थे। इतने बड़े मुफस्सिर और हम मुसलमान हैं, हम शियाने अली हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, मजहबी घराने में पैदा हुए हैं। कितना अच्छा माहौल, कितनी अच्छी देन, कितना अच्छा खानदान हमें मिला है कि अफलातून अफसोस कर रहा है कि काश मैं इस्लाम के घराने में, काश मैं तशय्यो के घराने में पला बड़ा होता। फिर इमाम फरमाते हैं, लकिन्नका अखरजतनी लिल्लज़ी सबक ली, लेकिन तूने मुझको इस जमाने में पैदा किया जिसमें मिनल हुदन लज़ी लहू यस्सरतनी, थोड़े अरसे में मुझे हिदायत मुयस्सर आ गई। हालांकि ये जुमला इमाम के शायाने शान नहीं है। उनको कौन सी हिदायत मिल गई थी? उनका नूर तो तख्लीक कायनात से पहले वजूद में आ चुका था, वो तो पैदाइशी इमाम है, मोमिन तो बहुत दूर की बात। ये हमारे जुमले हकीकत हैं जो इमाम अपनी जबान मुबारक से अदा कर रहे हैं और हमें सिखला रहे हैं कि देखो अल्लाह से इस तरह मांगो, कम अज कम तो ये तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐसे माहौल में पैदा किया कि तुम्हें ईमान हासिल करने के लिए किसी तगो दो की जरूरत नहीं करनी पड़ी, और तुम इस ईमान को संभालने के लिए
नज़ाकतों से काम ले रहे हो, शिकवे शिकायत कर रहे हो कि अल्लाह तूने जो ईमान दिया मैं उसको संभाल नहीं सकता। ये तो देखो अल्लाह ताला ने किस तरह बैठे बिठाए तुम्हें ईमान की दौलत दे दी, शियान अली पे, सादात पे, बादशाह ने वक्त के जुल्म सितम से किताबें भरी पड़ी हैं। फकत एक नुक्ता, फकत एक इशारा आपके सामने कि जो लोग ज़ियारत पे जाते हैं मदीना मुनव्वरा की, उनको जन्नतुल बकी और उससे आगे बैतुल हुज़्न जहाँ पे बीबी क्रिया किया करती है वहां पे ले जाया जाता है। जब वापसी में आया जाता है तो इशारा करके सीधे हाथ पे बतलाया जाता है कि ये जो आपको मैदान जैसा इलाका नजर आ रहा है जहाँ पे इमारतें अब खड़ी हो चुकी हैं और हो रही हैं, यहाँ पहले जंगल था, जंगल था, जी हाँ यहाँ पहले जंगल था। और अजीब कहानी, अजीब वाकयात इस जंगल से मंसूब है। इमाम शीशम के जमाने में बनू उमैया बनू अब्बास के बदमाश आया करते थे और कहा करते थे अहले बैत और हाशमी कबीले के नौजवानों को हमारे हवाले करो और हम उनको अपनी फौज में रखेंगे ताकि हम उनसे अपनी जीत को यकीनी बनवा सकें और इस तरह लोगों के दिल भी जीत सकें कि भाई अहले बैत हमारे साथ है, वरना उनको कत्ल की धमकियां दी जाती थी। इमाम ने एक दिन मजबूर होकर अहले बैत के नौजवानों, हाशमी कबीले के नौजवानों को कहा कि तुम इस जंगल में, यहाँ पहले जंगल हुआ करता था मदीने से थोड़ी दूर, बल्कि मदीने शहर में ही मस्जिद नबवी से थोड़ी दूर, जन्नत नबवी से आगे उल्टे हाथ पे, कि यहाँ भी जंगल हुआ करता था और कई अरसे कई महीने इमाम ने बनी हाशिम के नौजवानों को इस जंगल में रूपोश रहने का मशवरा दिया कि बस यहाँ जाके बैठ जाओ, वापस नहीं आना अपने घर तक जब तक हम तुम्हें ना करें। काफी अरसे बाद जब इस जंगल को काटा गया तो बेगौर कफन सादात के नौजवानों की लाशें मिली वहां पर। इसका मतलब यह है कि दुश्मनों ने उनको वहां भी नहीं रहने दिया। अब ना वहां जंगल है ना इस किस्म के निशानात हैं, लेकिन ये वाकया अब तक उस जगह से मंसूब है। किस तरह सादात के खून से गारा बनाया जाता था, महलात की दीवारें तामीर हुआ करती थी, किस तरह हज्जाज बिन यूसुफ सादात के खून से गुंधी हुई रोटियां इफ्तार में खाया करता था, नाउज़ुबिल्लाह, क्या क्या जुल्म नहीं चाहे गए। हम सांस ले रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, बड़े सुकून से अपनी नमाजों को, अपने आमाल को अंजाम दे रहे हैं, आजादारी कर रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए। इतनी कुछ नियमतें मिलने के बावजूद अगर इंसान शिकवा शिकायत करे तो उसको तैयार रहना चाहिए कि अल्लाह ताला भी कयामत के दिन उससे शिकवे शिकायत करेगा और बासपुस करेगा और सख्त एहतिसाब लेगा। हम उसकी कम नियमतों पर राजी हो जाए, अल्लाह हमारे कम आमाल पर राजी हो जाएगा। इमाम अपने जिस्म अपनी जात से शुरू करते हैं और अपने जिस्म के एक एक अज़ू को बयान करके अल्लाह ताला से शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि तूने मुझे आंख दी, आंखों में नूर दिया, तूने पेशानी के नकोश को वाज़े किया, सांस की रगे दी, नाक दी सांस लेने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जबान दी हरकत देने के लिए बोलने के लिए, दांत दिए जायका चखने के लिए, जबान दी दिमाग दिया, गर्दन में गजा की नालियां दी, सीने का घेराव यानी हड्डियां दी जिसमें शहरक और दिल है, आवेजा है दिल, टंगा हुआ है दिल, जिगर दिए, पसलियां दी, उंगली के पोरों तक का इमाम जो है वो शुक्र अदा कर रहे हैं, बालों जिल पट्टों हड्डियों हत्ता के अपने आफाल जो है आजा से अदा होते हैं, नींद अपने रुकू अपने सुजूद, एक एक नेमत का शुक्र अदा करते हैं। फिर भी इमाम कहते हैं कि अगर मैं सदियों को शाह रहूं उम्र वफा करे तो भी मैं तेरी इन नेमतों में से एक नेमत का शुक्र अदा करने की ताकत नहीं रखता। साइंसदानों से पूछ लीजिए, मेडिकल के प्रोफेसर से पूछ लीजिए, डॉक्टरों से पूछ लीजिए, आज तक इंसान अपने जिस्म में मौजूद एक उजू एक ऑर्गन को नहीं समझ सका है। जब वो उस नेमत को समझ ही नहीं सका है तो उसका शुक्रिया कैसे अदा करेगा, और अगर शुक्र अदा करेगा तो किससे अदा करेगा, उस जबान से जो अल्लाह की दी हुई है, उस मुंह से जो अल्लाह का दिया हुआ है, उस दिल से जो अल्लाह का दिया हुआ है। तो यूं समझ लीजिए शुक्र अदा करने के लिए फिर एक और शुक्र वाजिब हो जाएगा कि अल्लाह तुझे नेमतें दी, शुक्रिया, और ये जो मैंने शुक्रिया कहा है ये तेरी दी हुई चीज से तो दिया है तो इसका भी शुक्रिया, और फिर जो मैंने शुक्रिया अदा किया है ये भी
तेरी दी हुई चीजों से दिया है, इसका भी शुक्रिया, फिर शुक्रिया, फिर शुक्रिया का शुक्रिया अदा करते करते इंसान की जिंदगी गुजर जाए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना हो। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो रजा के हवाले से जो गुफ्तगू हमने आपके सामने पेश की थी, उसमें बताया ना किताबुज़्ज़हद इमाम के फरमुदार पर मुश्तमिल किताब में बकायदा जो एक खत की सूरत में बादशाह वक्त को लिखा था, और बादशाह ने कहा था कि ये बातें तो सोने से लिखने के काबिल हैं, तो उन बातों को सोने से लिखा गया, उसका नाम पढ़ गया, उस किताब का नाम इतनी तवील गुफ्तगू किताबुज़्ज़हद। इसमें भी इमाम ने इंसानी आज़ा, उनके आमाल, उनके आफाल और उनकी तिब्बी नुक्ता निगाह से सलाहियतों पर तस्किरा किया। तौहीद मुफस्सल खुद हमारे छठे इमाम का मुकालमा ही मुफस्सल के साथ कि जिसमें उन्होंने दुनिया मखलूकात कायनात अपने इंसानी जिस्म के हवाले से गुफ्तगू की है, यह खुद एक किताब की सूरत में मौजूद है। उर्दू में भी इसका तर्जुमा और तशरीह मौजूद है, सैयद मोहम्मद अली ने किया है। खुतबा इमाम अली कि जिसमें फकत एक जुमला के इंसान भी क्या है अजीब चीज है कि चर्बी से देखता है, कि मौला अली इंसान के बारे में बता रहे हैं इंसान के अंदर क्या क्या अजायबात छुपे हुए हैं, और फिर उसी नहजुल बलागा में रसूलुल्लाह को बतौर तबीब मुतआरिफ करवा रहे हैं। तो आइम्मा का अपनी जात से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये भी एक अजीब अंदाज है कि तुम कायनात को तो बाद में देखो, पहले तुम अगर फकत अपने अंदर झांक के देख लो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी चीजें छिपी हुई हैं जो तुमको खुद नहीं मालूम कि जिसका तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद यानी अल्लाह ताला के शुक्र के बाद, अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, जो कि एक अंदाज होना चाहिए गुफ्तगू का, इमाम की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं और तलबे हाजात के लिए इन कलमात से खुदा से गोया होते हैं। अल्लाहुम्मा जअलनी अख्शाका कअन्नी अराका, ए अल्लाह मुझे ऐसे डरने वाला, ऐसा डरने वाला बना दे गोया तुझे देख रहा हूं। कैसा नहीं है, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या रिवायात इसकी गवाह नहीं है कि अल्लाह की ऐसी इबादत करो कि जैसे तुम उसको देख रहे हो। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब आप अल्लाह ताला को देखते हुए इबादत करेंगे तो आपका क्या हाल होगा। एक और रिवायत में आया कि इबादत ऐसी करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, वरना वो तो तुम्हें देख ही रहा है। अगर ऐसी इबादत नहीं कर सकते कि तुम खुदा को देख रहे हो तो ऐसी इबादत कर लो कि वो तुमको देख रहा है। अगर तुमने इस पर यकीन ना किया तो तुम काफिर हो। किस पर? इस बात पर कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं या अल्लाह मुझे कम अज कम देख रहा है। और अगर यकीन किया मगर गुनाह ना छोड़ा तो तुमने उसे कमतर समझा। दोनों सूरतों में हमारी पकड़ है, यकीन नहीं किया तो हम काफिर हैं, और अगर यकीन कर लिया लेकिन अपने गुनाहों पर मुसर हैं, करते चले जा रहे हैं, आपकी अम्मी आपके अब्बू आपके सामने आपके कमरे में मौजूद हो और वो आपको कह रहे हो कि ये काम ना करो लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, अगर वो कमरे में मौजूद नहीं है आप काम कर रहे हैं तो बगावत कर रहे हैं, और अगर वो घर में मौजूद हैं और फिर भी वही काम कर रहे हैं, उनके सामने कर रहे हैं तो उनकी इहानत कर रहे हैं, उनकी तहकीर कर रहे हैं कि मैं आपको अपने से बड़ा नहीं समझता। तो अगर इस बात पे यकीन नहीं है आपको कि अल्लाह देख रहा है तो बस आपने तौहीद का इनकार कर दिया, अल्लाह की एक सिफत का इनकार कर दिया। और अगर यकीन कर लिया लेकिन फिर भी गुनाह नहीं छोड़े तो इसका मतलब है कि हमने अल्लाह को नाऊज़ बिल्लाह अपने से कमतर समझ रखा है, अपने आप को इतना मेजर बना लिया है कि हम तेरी कोई फिक्र नहीं करते, हम तुझसे बेनियाज़ हैं नाऊज़ बिल्लाह। फिर इमाम फरमाते हैं यहां तक कि जिस अमर में मैं तू ताखीर करे उसमें जल्दी ना चाहूं, वला ताखीर माअज्जलता, कि अल्लाह ताला अगर मसलहत खुदावंदी इसमें है कि तू मुझे ताखीर से दे तो मुझे साबिर बना दे, और अगर तू कोई काम करना चाहता है जो मुझे पसंद नहीं, मसलन मुझे बीमार कर दिया, हादसे से दो चार कर दिया, किसी चीज से महरूम कर दिया और मैं मचल रहा हूं कि नहीं मुझे वो चीज चाहिए, तो मुझे बर्दाश्त की उम्मत दे रहे ताकि मैं तेरी मसलियत को समझ सकूं, तो जिसमें तू ताखीर करना चाहे उसमें मैं जल्दी ना करूं और जिसमें तू जल्दी चाहे इसमें ताखीर ना करूं।
हमें कोई चीज चाहिए, हम कहते हैं बस आज और अभी चाहिए। अगर अल्लाह को कुछ देना हो, नमाज पढ़नी हो, फर्ज अंजाम देना हो, तो हम ताखिर चाहते हैं। तो जिन कामों में हमें जल्दी होती है, हम चाहते हैं वो काम फौरन हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि मसलहत इसमें है कि तुम इसमें दाखिल करो। और जिन कामों में हमें जल्दी करनी चाहिए, मसलन नमाज अदाई के वाजिबात, उसमें हम कहते हैं कि अल्लाह ताखिर कर लो। तो इंसान को तकदीर इलाही पर राजी रहना चाहिए। हर रंग में राजी बरजा हो तो मजा देख, दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा देख। बेहतरीन फलसफा है जन्नत हासिल करने का, मरने की भी जरूरत नहीं है आपको। अगर नेकुकार हो और जन्नत में जाएगा तो मरना तो पड़ेगा कम से कम, नहीं। अगर आप बेसब्रे हैं तो जन्नत के हुसूल में बेसब्री का मुजाहरा कीजिए और जन्नत को यहां अभी इस वक्त हासिल कीजिए। किस तरह? हर रंग में राजी बराजा हो तो मजा देख, दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा देख। हर रंग में राजी, जन्नत में क्या होगा? हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, खाना पीना लिबास रिहाइश जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो जो हो रहा है उसको चाह लो। हम कहते हैं ना, अम्मी क्या पकाया है? भाई बिरयानी पकाई है। वाह, मैं यही चाह रहा था कि आज बिरयानी खाऊं। अम्मी क्या पकाया है? खिचड़ी पकाई। मैं यही चाह रहा था कि यही खाऊं। तो जो चीज आपके सामने आए, आप कहें बस मैं यही तो चाह रहा था। आपकी चाहत कुछ ना हो, जो खुदा की चाहत है वही आपकी चाहत। मौला फरमाते हैं मुझे जन्नत में जाने से ज्यादा मस्जिद में जाने में मजा आता है। क्यों? जन्नत में जाने में मेरी मर्जी है और मस्जिद में जाने में अल्लाह की मर्जी है। तो उस मर्जी को अपनाइए जो अल्लाह की मर्जी है। फिर इमाम फरमाते हैं वजाल समाई व बसरी बसर वारे मिन्नी, कानों और आंखों को मेरा मुती बना दे। हमारी तरह नहीं, टीवी के आगे चैनल खोल दिया, जो कुछ भी आया देख लिया। गाड़ी में सफर कर रहे हैं, बिलबोर्ड्स पे जो एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं उनमें नजर मार ली, जो सुनाई दे रहा है म्यूजिक हो गीबत हो सुन लिया। कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं, कोई रोकथाम नहीं। हम एक वक्त का खाना खाते हैं तो तफसील में जाते हैं कि इसमें फैट कितनी है, इसमें कैलोरीज कितनी है, इसमें शुगर है कि नहीं, इसमें नमक ज्यादा है या कम है। एक वक्त के खाने में इतनी ज्यादा नजाकतें और अपने आजाओ जवारे को इस्तेमाल करने के लिए कोई नजाकतें कि इस काम को करने से मैं कितने गुनाहों में मुब्तला होऊंगा, कितनी बड़ी सजा मिलेगी, और अगर फला नेकी कर लूंगा तो मुझे कितना अजर मिलेगा। तो आंखों और कानों पर ना चलिए, इनको लगाम दीजिए और इनको अपनी मर्जी यानी इताअत इलाही की मर्जी के मुताबिक चलाइए, इस्तेमाल कीजिए। और खुद चौथे इमाम फरमाते हैं कि खुदा की नियमतें खुदा की नफरमानी में इस्तेमाल ना करो, ये है कम से कम शुक्र। किसी ने पूछा कम से कम शुक्र क्या है? कम से कम शुक्र ये है कि खुदा की नियमतें उसकी नफरमानी में इस्तेमाल ना करो। अगर एक शख्स ने आपको कोई तोहफा दिया है, ठीक है, आप उसको तोहफा लौटा नहीं सकते, बहुत बड़ा कीमती तोहफा है, ठीक है, हम उसका शुक्र भी नहीं अदा करें, लेकिन खुदारा उस तोहफे को उस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह वो चाहता है। मतलब आपको घड़ी दी गई है तो घड़ी का मतलब है वक्त की कदर कीमत। आपको कंप्यूटर दिया गया है, उसको अपनी तालीम के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह अगर खुदा ने नेमतें दी हैं, कान नाक जिस्म रूह घर माल औलाद, तो उसको अल्लाह की नाफरमानी में नहीं उसकी इताअत में इस्तेमाल करें। इमाम फरमाते हैं वक्त कुंत अन खल्क़ी ग़निया, हालांकि तुम मुझे खल्क करने से बेनियाज था। बड़े मजे से हम कह देते हैं कि अल्लाह ने मुझे पैदा ही क्यों किया, हालांकि देखा जाए अल्लाह ने पैदा करके आदम से वजूद बख्शा है। हमें बताइए आदम बेहतर है कि वजूद बेहतर है? अक्सर हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बहुत कुछ होना कितना बेहतर होगा कुछ ना होने से, ये तो समथिंग की बात हो रही है। एवरीथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये तो बिल्कुल होगा। आपको क्या बनाया? आपको जमादात नहीं बनाया, नबतात नहीं बनाया, हैवानात में से नहीं बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। अरे उसको भी छोड़िए, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, अपना खलीफा बनाया,
उन लोगों से मुमताज कर दिया, उन लोगों से बदतर बना दिया जो हजारों लाखों और पता नहीं कितने सालों से अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उस शख्स को नाराज कर दिया जिसने 4 साल में 2 रकात नमाज पढ़ी, रामदा दरगाह कर दिया हमारी वजह से, शैतान उसके चीलों को अपने दरबार से निकाल दिया हमेशा के लिए। उसके बावजूद भी हम अपने आप को इज्जत देने के लिए तैयार, अल्लाह ने तो हमें इज्जत दे दी अशरफ मखलूकात बनाकर, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम खुद अपने मुकाम को समझने की सलाहियत नहीं रखते बल्कि छोड़ बैठे। याद रख लीजिए, खुदा को हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमें उसकी जरूरत है। ये नमाज, ये रोजे, ये हिजाब, ये तक्वा, ये शब्बेदारी, ये हज, ये सदकात, ये खैरात, इससे हमें कुछ मिलेगा, खुदा को कुछ नहीं मिलेगा। चौथे इमाम के पास अगर कोई साहिल आता मांगने के लिए तो इमाम उसके हाथ चुभ लेते। लोग कहते हैं आप इसके हाथ चुभ रहे, देखा जाए तो इमाम की जेब से कुछ जा रहा है, इमाम दे रहे हैं उसको, तो इमाम कहते हैं मैं इसके हाथ क्यों ना छूऊं कि ये वो हाथ हैं जो मेरा सदका, मेरा पैसा अल्लाह तक पहुंचाएंगे। तो अगर हम अल्लाह को कुछ दे रहे हैं तो यकीनन अपने लिए दे रहे हैं, अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, इस दुनियावी फायदे और आखिरी आखिरी फायदे के लिए। फिर इमाम एक अजीब जुमला कहते हैं, वफी नफसी फजल लिलनी वफी आयुन नासे फअज़िमनी फअज़िमनी, मेरे नफ्स को मेरे सामने जलील बना दे और लोगों की निगाहों में मुझे इज्जत दे दे। याद रख लीजिए, अपने आप को लोगों से कमतर समझिए लेकिन लोगों के सामने जलील होकर आइए, अपने नफ्स को जलील बना के रखिए लेकिन लोगों के दरमियान हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी एक इज्जत, एक मुकाम, मर्तबा मुआशरे में रहे। खुद अपने लिए जलील बन गए कि अल्लाह मैं कुछ नहीं, मैं तेरी मखलूकात से कमतर हूं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपकी इज्जत मुकाम को लोगों में ना खो दे, ना खोने दे। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने वही की और कहा, ये मूसा तुम्हें मालूम है हमने तुम्हें कलाम की फजीलत से क्यों नवाजा, यानी कलीमुल्लाह क्यों बनाया, क्योंकि तुम अपने आप को तमाम मखलूकात में अपने आप को सबसे कमतर समझते। अपने आप को लोगों से कमतर समझिए लेकिन अल्लाह से दुआ करते रहिए कि मुझे लोगों में जलील ख्वार ना कर। हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, एक दफा एक खूबसूरत लिबास जेब तन किए हुए घर से निकले तो एक सूफी, एक जाहिरी तकवे का हामिल शख्स आपके सामने आया और कहने लगा कि आप तो बड़ा अच्छा लिबास, बड़ी अच्छी पोशाक जेब तन किए हुए और मुझे देखिए मैं किस तरह फटे पुराने मुफलिस ज़दा कपड़ों में, लिबास में मलबूस हूँ, मेरा तकवा गोया आपके तकवे से ज्यादा है, मेरा जहद आपके जहद से बढ़ता है। इमाम ने क्या जवाब दिया? इमाम ने कहा कि आजकल इस्लाम खुशहाल है अगर हम ऐसे कपड़े पहने जो हमारे फक्र व फाका जाहिर करें तो ये हमारी एहानत का सबब बनेगा, तो नाचा मुनासिब नहीं हमारे लिए कि हम ऐसा लिबास जबतन करें। फिर इमाम ने अपने लिबास को हटाकर अंदर एक लिबास दिखाया कि जो फटे पुराने कपड़ों पर मुश्तमिल थे। तो इमाम ने कहा कि ये ऊपर का कपड़ा हमने लोगों को बताने के लिए पहना है कि हम काबिले इज्जत लोग हैं और अंदर का कपड़ा मैंने अपने नफ्स को जलील करने के लिए पहना है कि नफ्स अगर तू अच्छी पोशाक पे तकब्बुर करने लगे तो इस कपड़े को देख ले जो मैंने अंदर पहना है। फिर इमाम ने उसका कपड़ा हटाया तो उसके अंदर वो बड़ी खूबसूरत पोशाक पहने हुआ था। ये शख्स तूने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जहद का लिबादा उड़ा हुआ है, फख्र फाका की हालत बनाई हुई है और अंदर तूने लिबास फाखरा से तन किया है अपने नफ्स को खुश करने के लिए। तो इस्लाम यकीनन तवाज़ो इंकिसारी का सबक पढ़ाता है लेकिन ये वो नहीं चाहता कि इंसान जो है माशरे में एक जलील तरीन, हकीर तरीन इंसान बन के रहे। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान अपनी शान के मुताबिक जिंदगी गुजारे। इमाम फरमाते हैं वाइला गैरी का फला तकिलनी, मुझे अपने गैर के हवाले ना करना। देखिए इंसान मुख्तलिफ जहतों, मुख्तलिफ हुनरों, हुनर मुख्तलिफ काबिलियतों का मालिक है
और हर इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। एक मरीज है तो दूसरा डॉक्टर है, एक अमीर है तो दूसरा गरीब है, एक हाजतमंद है तो दूसरा दौलतमंद है। तो इस तरह लोगों की जिंदगियां एक दूसरे के तआवुन से गुजरती रहती है और कारोबार हयात चलता रहता है। लेकिन अगर इंसान किसी एक शख्स का मोहताज हो जाए जो बड़ी पस्त तबीयत का मालिक हो, मगरूर हो, मुतकब्बिर हो और दीन से दूर हो, तो यकीनन वो शख्स अपने से मांगने वाले को यानी मोहताज को बहुत जलील कर देता है। इस किस्म के लोगों से इमाम ने पनाह मांगी है, यानी ये हमारी दुआ है जो इमाम की जबानी है कि अल्लाह मुझे अपने गैर के हवाले नहीं करता। और याद कर लीजिए, गैरों में सबसे बड़ा गैर, दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना नफ्स है। इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफतन ऐनन अबद, ए खुदा मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने नफ्स के हवाले ना करना। उम्मे सलमा फरमाती है कि एक दफा रात में मैं बेदार हुई तो रसूलुल्लाह को अपने बिस्तर पे नहीं पाया, चुनाचा परेशान हाल हर जगह ढूंढा, फिर वापस आके हुजरे में अपने बिस्तर पे बैठ गई कि पता नहीं रसूल कहाँ चले गए। तो गौर से देखा तो कमरे के हुजरे के कोने में रसूलुल्लाह सजदे की हालत में गिरिया कर रहे हैं, मुसलसल ये दुआ उनकी जबान से निकल रही है, इलाही लतकिलनी इला नफ्सी तरफ आईना ना बदा, ए खुदा मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने नफ्स के हवाले न करना। खुदा अल्लाह के रसूल का नफ्स तो काबू पाकी से हमारे लिए दुआ, हमको बताने के लिए कि देखो नफ्स सबसे गैरों में से सबसे बड़ा गैर, सबसे बुरे दुश्मनों में सबसे बड़ा दुश्मन। चुनाचा कभी भी इस नफ्स को अपने ऊपर गालिब ना आने देना और अपने आप को इस नफ्स के हवाले नहीं करना। एक शख्स खानकाबा का गिलाफ पकड़ के कह रहा है, ये अल्लाह मुझे लोगों से बेनियाज कर दे। इमाम सामने से गुजरे तो उससे कहा कि नहीं ऐसा ना कहो, हर शख्स किसी ना किसी तरह कभी ना कभी किसी का मोहताज तो होता ही है, ये कहो ये अल्लाह मुझे पस्त लोगों से बेनियाज कर दे, जो मेरा मजाक उड़ाए, जो मेरी इहानत करें, जो मेरी तहकीर करें, इन कमीना सिफत लोगों से मुझे आजाद कर दे, बेनियाज कर दे, उन लोगों का मोहताज ना बने। अल्लाह तुम्ही तनी अला वज़ाबे का, मुझे मौत न दे जब तू मुझसे नाराज हो। यानी अगर हमारी मौत आए तो ऐसी हालत में मौत आए कि अल्लाह हमसे राजी हो, इस हालत में नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज हो। देखिए और जगहों पे शायद बिस्मिल्ला या इब्तिदा बड़ी अहमियत रखती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, नहीं, हमारे यहाँ लास्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन। इब्तिदा कैसी क्यों ना हो, इंसान कभी भी ना पैदा हो, लेकिन अगर उसकी मौत उसका खात्मा ईमान पर होता है तो जन्नत में जाएगा, और इब्तिदा ईमान से हो लेकिन इंतहा यानी खात्मा मौत कुफर पे हो तो वह इंसान अल्लाह की नाराजगी का सामना करेगा। तो असल चीज है इंसान की मौत किस पर आती है, अल्लाह की रजा पर या अल्लाह के गजब पर। और यही बात कुरान सूरह आले इमरान 102 में कहता हुआ नजर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालों अल्लाह से इस तरह डरो जो डरने का हक है, और खबरदार उस वक्त तक ना मरना जब तक मुसलमान ना हो जाओ, वला तमूतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून, तुमको मौत ना आए हत्ता कि तुम मुसलमान मरो, हक अदा करो उससे डरने का जिस तरह डरना चाहिए, किस तरह डरना चाहिए, जिंदगी ऐसे गुजारो, इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम उसको नहीं देख सकते तो वो तो तुमको देख ही रहा है, आला दर्जा और कमतरीन दर्जा, लेकिन इन्हीं दर्जों के दरमियान रहो, इससे आगे ना जाओ, इस दायरे से, इस ईमान के दायरे से बाहर ना निकलो। तो पहले डरने का हक अदा कीजिए और उसके बाद उस पर कायम रहिए, इस्तक़लाल का मुजाहरा कीजिए और आपकी मौत अल्लाह की रजा पर हो। बेहतरीन मिसाल, बेहतरीन मिसालों में से एक बेहतरीन मिसाल हुर कामल कि वो शख्स था कि जिसने करबला में इमाम का रास्ता रोका था, पानी बंद किया था, आगे नहीं जाने दिया था, और फिर एक दिन पहले, एक रात पहले मुनकलिब हो गया कि नहीं मुझे इमाम का साथ देना चाहिए,
और इमाम के लश्कर से आ मिला। अंताहुर फिर दुनिया वाला आखिरा, कि तू आजाद है दुनिया में भी और आखिरत में भी। इतना बड़ा लकब इमाम की तरफ से, अपनी नफ्स की गुलामी से आजाद हो गया। हुर पहले वो गुलाम था, जब यजीदी खेमे तक यजीदी नजरियात का हामिल था, और जब इमाम से आमिला तो हकीकत में हुर बन गया, आजाद बन गया और अपने नाम का हक अदा कर दिया। इमाम फरमाते हैं, इलाही अमर तनी फासवैतु का, ए मेरे महबूद और सरदार, ए मेरे महबूद तूने हुक्म दिया तो मैंने ना फरमानी की। वनहै तनी फरतकफ्तु नहिया का, जिससे तूने मुझे रोका मैं वो काम कर गुजरा। यानी जब अल्लाह ताला हमें नेकियों का हुक्म देता है और गुनाहों से रोकता है तो हम नेकियों से रुगर्दानी करते हैं और गुनाहों में सबकत करते हैं, और जिस काम से इंसान को मना किया जाता है वही काम इंसान करने की कोशिश करता है। अल-ममनू मरबूब, एक बड़ा अच्छा जुमला अरबों में मशहूर है कि जो चीज मना होती है, ममनू होती है, वही चीज इंसान को मरबूब होती है। शुगर के मरीज किस तरह गुलाब जामुन पर नजरें टिकाए राल टपका रहे होते हैं, इस ब्लड प्रेशर के मरीज चिकना कोरमा देखकर चिकने घड़े पर फिसल जाते हैं। तो जिसको जिस काम से बच्चे आइसक्रीम से मना कियो, मना करो कि गला खराब हो जाएगा, उन्हें आइसक्रीम खाएंगे। तो जिस चीज से मना किया जाता है इंसान वही करता है, और इमाम इतराफ कर रहे हैं बल्कि करवा रहे हैं। और देखिए, इसी ममनू ने मरहूम हो गए आदम को जन्नत से निकलवाया, पूरी जन्नत एक तरफ और वो एक शजरे ममनू एक तरफ। तो बसावकात इंसान को एक खाना कई खानों से महरूम कर देता है। इसी तरह एक चीज, एक गुना, एक मासियत इंसान को कई नेकियों से महरूम कर देती है। इमाम फरमाते हैं, फअसबहतु लाज़ा बरअतिन ली फअतज़िरु, बस हाल ये है कि ना गुनाह से भरी हूं कि उज़्र करूं, वलाज़ा कुव्वतिन फअंतसिरु, ना ये ताकत है कि कामयाब हो जाऊं। यानी ना मैं कोई मुनासिब बहाना तेरे सामने पेश कर सकता हूं, और ना ढिटाई से अपनी मासियत पर, अपने गुनाह पर कायम रह सकता हूं कि ठीक है मैंने किया, नाउज़ुबिल्लाह तू क्या कर लेगा। इमाम से किसी ने कहा कि मुझसे गुनाह नहीं छुटते, तो इमाम ने कहा कि बस चंद बातों में से एक बात यह कही कि तुम अल्लाह की सल्तनत से बाहर निकल जाओ और फिर जाके वहां गुनाह करो। तो हम उसकी सल्तनत से बाहर नहीं निकल सकते, उसकी खुदाई से बाहर नहीं निकल सकते, तो अब मजबूर हमें खुदाई की तरफ पलटना है। अगर खुदा की मासियत नाफरमानी की है तो किसी और से माफी नहीं मांगनी है, इसी खुदा से माफी मांगनी है। और अगर आपने हकीकत में ऐसी तौबा कर ली, इस तरह की निदामत का इजहार कर लिया, तो रिवायतों में आया है कि बहुत से गुनाह इंसान को बख्शवा देते हैं, बहुत से गुनाह इंसान को अल्लाह से करीब कर देते हैं। तो हकीकत में गुनाह नहीं करीब करते, बल्कि गुनाह के बाद जो तौबा होती है वो इंसान को अल्लाह से करीब कर देता है। इसके बाद इमाम फरमाते हैं, या मन सतरनी मिन अल आबाई वल उम्महाती अन यज़जुरूनी, ए वो खुदा जिसने माँ बाप से मेरी पर्दापोशी की कि वो मुझे धुतकार दें। अगर हमारे आमाल, हमारी बातें, हमारी सीक्रेट्स माँ बाप को पता चल जाए, खुसूस नौजवान इस पर तवज्जो दें, बच्चे इस बात को सुने कि कितने ऐसे काम हैं, कितनी ऐसी बातें हैं जो जबान से निकालते हैं जो माँ बाप को नहीं पसंद, अगर पसंद हो जाए तो पत्नी को क्या करें। وَمِنَ الْعَشَائِرِ وَالْإِخْوَانِ أَيُّ عَيِّرُونِي, اہلِ قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, میرے گھر والوں, میرے رشتہ داروں, دوست احبابوں کو میری بہت ساری باتیں نہیں بتائیں, میرے بہت سے گناہوں سے دور رکھا, اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے دھمکا دیتے۔ وَمِنَ السَّلَاطِينِ أَيُّ عَاقِبُونِي, اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے, اے میرے مولا۔ اگر حاکموں کو پتہ چل جاتا ایسی بات جو ان کے خلاف تھی تو وہ کیا کرتے آپ کا۔
हर इंसान अपने गरीबान में झांक कर देखे, हर इंसान अपने दिमाग को टटोले, हर इंसान अपने माजी में झांके और ये देखे कि उसने क्या क्या किया, कितने गुनाह थे जो अल्लाह ने लोगों से छुपा दिए, कितनी नेकियां थी जो हमने की ही नहीं और लोगों ने मशहूर हो गई, या एक मर्तबा की और लोगों ने कहना शुरू कर दिया माशाल्लाह आप तो नमाज शब हमेशा अंजाम देने वाले हैं, आपको तो अक्सर मैंने मुस्ताहब रोजे रखते हुए देखा है, आपको तो फला फला, तो कितनी नेकियां हमारी मशहूर हो जाती हैं अल्लाह के सामने। और अगर ऐसा हो जाता हमारी बातें, हमारे वो काम, हमारे वो ऐब, हमारे वो कोताहियां जो हम नहीं जाते लोगों पे आश्रा हो, अगर वो हो जाती तो क्या होता, अगर वो मेरे बारे में वो जान लेते जो कुछ तू जानता है तो वो मुझे मुझे मोहल्लत ना देते, मुझे छोड़ जाते और पता ताल्लुक कर लेते। कितनी चीजें, कितनी बातें, कितने काम ऐसे हैं जो हम अपने आसपास के लोगों की मर्जी के खिलाफ करते हैं, अपने माँ बाप, अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने बड़े, अपने बुजुर्ग, अपने बॉस, अपने हुक्मरान, और हम खौफ खाते हैं कि हमारी ये बातें ना पता चले, अगर पता चल जाएंगी तो क्या होगा, लोग कम अज कम जो सजा देंगे वो है सोशल बॉयकॉट, लेकिन फिर भी हम लोगों के दरमियान घूम रहे और लोग हमें इज्जत दे रहे हैं फकत खुदा की वजह से कि उसने हमारा पर्दा रखा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि इब्राहिम तुम्हें मालूम है हमने तुम्हें खलीलुल्लाह क्यों बनाया, दो सिफतों की वजह से, नमाज शब और मेहमानदारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अक्सर जब खाना तैयार होता तो दूर निकल जाते हैं सहरा में, ढूंढते किसी मुसाफिर को, और जब मिल जाता तो उसे इज्जत और एहतराम और तकरीम से अपने घर लाते और ज़ियाफ़त देते, खाना खिलाते, रुख्सत करते इज्जत से। एक दफा एक शख्स को ढूंढ कर मेहमान बनाकर अपने घर लाए, दस्तरखान पे बैठे और मेहमान से कहा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खाना शुरू करो। उसने कहा मैं कैसे कहूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो काफिर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इंतहाई गुस्सा आया और कहा कि तुम हमारे अल्लाह को नहीं मानते, तुम मेरे दोस्त हैं, तुम मेरे घर में मेरे साथ खाना नहीं खा सकते, मैं माजरत खाऊं, निकाल दिया अपने घर से उसको। वापिस आए तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम वो मुझको नहीं मानता था और मैं उसको अब तक देता रहा खिलाता रहा, उसने फकत तुम्हारे सामने मेरे कुफर और मेरी तौहीद का इनकार किया तो तुमने उसको धुतकार दिया, मुझको देखो मैं अपने ना मानने वालों को भी खिलाता हूं। तो आप देख लीजिए कि खुदा की सिफत को कितने लोगों ने, कितने कम लोगों ने अपनाया। रसूल फरमाते हैं जो मुझको दे, जो मुझको ना दे मैं उसको अदा करूं, जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूं। लेकिन हम लोग टिट फॉर टैट, ये दो ये लो, जैसा करोगे वैसा भरोगे की पॉलिसी पे काम चले। अगर कोई हमसे बात नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, कोई हमारी बुराई करेगा तो हम भी बुराई करेंगे, कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। यूनुस अलैहि सलाम ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन अपनी कौम में 33 साल तबलीग की और कहा कि अल्लाह ये नहीं मानते। फकत दो अफराद ही मान लाए। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे भाई नूह अलैहि सलाम ने तो इससे ज्यादा मेहनत की थी 900 साल और फकत तुम 33 साल में थक गए। कहा मैं क्या करूं, मैं पूरी कोशिश कर चुका, 33 साल में थक गए और खुदा से दुआ की इनके अजाब भेज, बुध का दिन ठहरा अजाब का और जब अजाब आने लगा ऐन अजाब के बाद उनकी कौम गिड़गिड़ाने लगी। वहां पे यूनुस अलैहिस्सलाम का छोड़ा हुआ एक शागिर्द, एक आलिम मौजूद था, उसने कौम को कहा कि अब भी करते हैं तौबा कर लो। कौम ने तौबा की और बच गई, बादल वापस चले गए। गालिबन वही तो कौम तारीख में हमें मिलती है कि ऐन अजाब के वक्त तौबा करने से बचा ली गई अजाब से। जब यूनुस अलैहिस्सलाम आए तो देखा इलाका वैसे ही सरसब्ज़ लोग अपनी जिंदगी में मगन, शर्मिंदा हो गए कि मेरे सामने मेरी तौहीन हो जाएगी अगर मैं लोगों में गया। मैं तो कह चुका था अजाब आगे रहेगा कुछ भी कर लो,
और फिर वहां से गए और इस तौर के औला के सबब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कई दिन गुजारने पड़े। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह बिट जबान से जारी किया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर मछली ने उनको एक सहरा में उगला। और हमारा ये हाल है कि अल्लाह ताला 7 घंटों तक तो हमारे कंधों के फरिश्तों को खबर नहीं होने देता। आसमान के फरिश्तों और जमीन की मखलूकात तो बहुत दूर की बात है, हमारे जिस्म और रूह में बैठे हुए फरिश्तों को पता नहीं चलता कि हम कौन सा गुनाह कर बैठे। 7 घंटे तक लिखा ही नहीं जाता तो मिटाया क्या जाएगा? अगर किसी चीज को मिटाया जाए तो शक हो जाता है कि यहां पर कुछ था। वअदलु का मौलिकी वमिन कुल्ले अदल का मारवी, मैं तेरा इंसाफ मुझे नाबूद कर देगा और मैं तेरे हर अदल से डरता भागता हूं। अगर इंसाफ करने पर आए अल्लाह ताला हर चीज का हिसाब ले और हर बुराई को तोले, कि जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा देख लिया जाएगा और जो कोई जर्रा बराबर शर करेगा देख लिया जाएगा। कितनी सख्त आयत है कुरान की। एक इराबी आया, उसने कुरान पढ़ने की गुजारिश की, सीखने की, एक सहाबी को उसके सुपुर्द कर दिया। अल्लाह के रसूल ने जब उस आयत पे पहुंचा तो उसने कहा बस मैं समझ गया, ये कहकर चला गया। रसूल ने पूछा साहबी का क्या, उस एराबी का क्या हुआ, तो साहबी ने जवाब दिया वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सका, इस आयत में आकर रुक गया, कह लेगा बस काफी है। तो रसूल ने कहा वो जाहिल आया था, फकीह बनकर गया है, बहुत पत्ते की बात उसने पकड़ ली। अगर इंसान ने ये समझ लिया कि बस जो करूंगा चाहे छोटी चीज या बड़ी चीज, चाहे बुरी चीज चाहे अच्छी चीज, पकड़ा जाऊंगा, अकाउंटेबिलिटी का एहतसाब होगा, अच्छी चीज जन्नत में और बुरी चीज दोजख में ले जाएगी, और यही इंसाफ है। और हकीकत में हम देखें तो हमारी बुराइयां नेकियों के मुकाबले कितनी ज्यादा हैं, और जो नेकियां कर रहे हैं उसमें कितनी ताकत का बनाई रूह और खलूस है जो कबूल हो। तो अगर हम अल्लाह से इंसाफ मांगेंगे, अक्सर हम सब्जी लेने जाते हैं और शक करते हैं कि भाई आपने जो है वो कम तोला है, अंदाजे से तोल के दे देते आपको, आप कहते हैं कि नहीं भाई तुमने जरा कम तोला, बाट लगाओ 3 किलो का बाट रखो, आप कहते हैं कि बाजी बिल्कुल सही तोला है, आप फिक्र न करें, नहीं हमारे सामने बाट रखो, बाट रखते हैं तो पता चलता है कि एक सेब निकाल लेता है, ये ज्यादा चला गया। अक्सर ये होता है, क्यों? उसको मालूम है कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मुझे मालूम है कि कितना माल डलेगा, कितने सेब डलेंगे तो कितने किलो के होंगे। अल्लाह से कभी नहीं लीजिएगा, ये अल्लाह मेरे साथ इंसाफ कर, कभी नहीं लीजिएगा। एक बनी इसराइल के बंदे ने 70 साल तक इबादत की, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से पूछो मेरे इस इबादत का क्या सिला है। अल्लाह ने फरमाया तेरी इबादत का तो कोई सिला नहीं, तूने जो इबादत की वो अपने लिए की। इसी दौरान उसके दांत में दर्द उठा, इतना शदीद दर्द उठा कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इस दांत में दर्द हो रहा है शदीद, इसको किसी तरह रफा करो। अल्लाह से जब पूछा तो उसने कहा, अल्लाह ने कहा अच्छा इससे पूछ 70 साल के बदले में, 70 साल की इबादत के बदले में इसका दर्द खत्म कर दूं। उसने कहा बिल्कुल सब कुछ ले लीजिए। अल्लाह ताला ने दर्द खत्म कर दिया। कहने अब बता तेरे पास क्या है जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत में जाने के लिए, एक बीमारी से बचने के लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमारे पास है क्या? जान, जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, जान भी दे देंगे तो हम कहेंगे हक अदा ना हुआ। فَإِن تُعَذِّبْنِي يَا إِلَٰهِي فَبِذُنُوبِي بَعْدَ حُجَّتِكَ عَلَيَّ، बस अगर तू मुझे अजाब दे दे मेरे अल्लाह तो मेरे गुनाहों की वजह से मुझ पर तेरी हुज्जत है, मैं कभी नहीं कहूंगा, कभी शिकवा नहीं करूंगा कि तूने मुझे जुल्म से, जिसे कहते हैं कि जहन्नम में फेंक दिया मेरे ऊपर सख्ती की, तू अदल करेगा मेरे लिए। वहीं ताफो अन्नी फबिहिल्मिका वजूदिका वकरामिका, और अगर तू मुझे माफ फरमा दे तो ये तेरी तरफ मेहरबानी, तेरी बख्शिश और तेरी करम का, तेरे करम का नतीजा है। यकीनन अगर मैं दोजख में फेंका जाऊं तो मैं ये नहीं कह सकता कि तूने जुल्म किया, और अगर तू माफ फरमा देगा तो यकीनन तेरी मेहरबानी, इसमें मेरी कोई काबिलियत इस्तेआत नहीं है। और फिर जिक्र यूनुसिया पढ़ते हुए इमाम फरमाते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाकतर है, बेशक मैं सितमगारों में से हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल मुस्तग़फिरीन,
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक तर है, बेशक मैं माफी मांगने वाले में से हूँ। गो के कुरान का जुमला है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ जुमला है, लेकिन इमाम मिनज़्ज़ालिमीन में मज़ीद चीज़ों का इजाफा करते हैं, और कितने खूबसूरत इजाफे हैं। देखिए, मिनल्मुस्तग़फ़िरीन, ज़ालिमों में से भी हूँ, लेकिन माफी भी तो मांग रहा हूँ। ठीक है, मैंने ज़ुल्म किया, लेकिन तुझसे तौबा भी तलब कर रहा हूँ। फिर इमाम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल मुवहिदीन, तेरे तौहीद परस्त भी हूँ, जुल्म किया मैंने, लेकिन तुझको भी तो मानता हूँ। मिनल खाइफीन, तुझसे खौफ भी तो खाता हूँ। मिनल वाजहीन, तुझसे डरता भी तो हूँ। मिनल राजीन, उम्मीदवारों में से भी तो हूँ। मिनल रागबीन, रागबों में से हूँ, तेरी तरफ रग़बत करता हूँ। मिनल साइलीन, नाम लेवाओं में से हूँ। मिनल मुहल्लिलीन, तेरे नाम लेवाओं में से हूँ। मिनल साइलीन, सवाल करने वालों में से हूँ। मिनल मुसब्बिहीन, तेरी तस्बीह करने वाले में से हूँ। मिनल मुकब्बिरीन, तेरी तकबीर कहने वाले में से। ठीक है, मैंने गुनाह किया है, ठीक है मैंने जुल्म किया है, लेकिन तू ये भी तो देख, मैं नेकी भी तो करता हूँ, तेरा नाम भी तो लेता हूँ, तेरी तस्बीह भी तो करता हूँ, तेरी तारीफ भी तो करता हूँ, और तेरी ही तरफ तो रुजू करता हूँ, तेरी ही तरफ तो मैं वापस आता हूँ। अगर तू गुनाह को देख रहा है तो मेरी नेकी को भी देख, अगर तू मेरे तकब्बुर को देख रहा है तो मेरी इज्जत इंतसारी को भी देख। बस इमाम यही चाहते हैं कि इमाम मोमिन इन दो अलामतों के दरमियान रहे, खौफ और उम्मीद। यही अलामत है ईमान की, खौफ भी हो और उम्मीद की कैफियत भी हो। वक्तुबना लका शाकिरीना वले आलाइका ज़ाकिरीना, अपने शुक्र गुजारों में लिख दे और अपने एहसानों का जिक्र करने वालों में रख। आमीन आमीन रब्बल आलमीन, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो जहानों की परवरदिगार, ए अल्लाह जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा ही कर दे। मैं तुझसे अपनी मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ, अपनी तौबा कर रहा हूँ, अपने गुनाहों से खलासी चाहता हूँ, बस तू ऐसा ही कर दे ए मेरे रब। فَإِنَّ عَلَى مَنَاسِكَنَا أَعْمَالِ حَجِّ हमारी मदद फरमा, وَأَكْمِلْ لَنَا حَجًّا और हमारा हज मुकम्मल कर दे, وَاعْفُ عَنَّا हमें माफ फरमा, فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ أَيْدِيَنَا فَهِيَ पनाह दे कि हमने तेरे आगे हाथ फैलाया है। हज पे जो लोग जाते हैं अमूमन तकब्बुर का बाज़ वक़्त शिकार हो जाते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अल्लाह से तवस्सुल कीजिए, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह हम अपने हज को, हमने अपने आमाल को, हम अपनी नमाजों को, हमने इबादतों को मुकम्मल नहीं कर सकते, तू कर सकता। या मन ला यख्फा अलैहि इग्माज़ुल जुफूर, वो जिस पर पोशीदा नहीं है पलक का झपकना, वला लहुल उयून, ना आंखों का इशारा, वला मस्तफर फिल मकनून, ना वो चीज जो पर्दे के पीछे हो, वला मन तवत अलैहि मुज़मरातुल क़ुलूब, और ना वो बात जो दिलों के पर्दों में लटकी हुई हो। कोई भी चीज कहीं पर भी हो, जाहिर हो, बातिन हो, जिस्म पर हो या जिस्म के अंदर हो, अल्लाह से महफूज नहीं। खुदा के बारे में कहा जाता है कि खुदा वो भी जानता है जो नहीं हुआ और वो भी जानता है जो कभी नहीं होगा। वह आते रकाबती मिनन्नार, और मेरी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद कर दे। अल्लाहुम्मा ला तंकुर भी, अल्लाह मुझे गलत फहमी में ना रख। वला तस्तद रिचनी, और मुझे धोखे में ना रख। वला तहदान, और मुझे फरीब ना दे। अक्सर हम जिद करते हैं अपनी अम्मी मुझसे, अम्मी ये चीज ला दे, अम्मी कहती है ठीक है बेटा ला देंगे कर। अम्मी देखिए आप वादा करें, आप भूले नहीं, आप ऐसे ही तो नहीं करें, हमें टालने के लिए तो ये नहीं कह रहे। अब्बू से हम चीज लाने में कहते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा हम ला देंगे। तो अल्लाह से भी इसी तरह जिद करके मांगिए कि अल्लाह तू हमें बना तो नहीं रहा, ये तो नहीं कि हम यहाँ से चले जाए इस उम्मीद पे कि हाँ तू हमें माफ कर देगा, बाद में पता चला कि तूने हमें माफ नहीं किया। इसके बाद इमाम सर को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और आंसुओं में इस दुआ को, इस आवाज को मजीद बुलंद करते हुए फरमाते हैं।